कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। बच्चे का आधार यहाँ फिलहाल बन रहा है 5 साल से 18 साल के बीच के लिए, और उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बना हुआ होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTO, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी पोस्ट ऑफिस के पास। हमारे पीछे जब देखिएगा तो ये लोग भीड़ है। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा अगर अनिवार्य अगर किया गया है, चाहे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक का, वो है आधार। अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो राशन का हो, वृद्धा पेंशन का हो, स्कूल में एडमिशन का हो, नौकरी में अप्लाई करने का हो, ये अनिवार्य आधार है। जिसके पास अगर आधार बना हुआ नहीं है तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, यहाँ इस वक्त पटना सिटी पोस्ट ऑफिस है, यहाँ झाओगंज के पास, और यहाँ ठीक बगल में BSNL ऑफिस है। इसी के आप अंदर आप आइएगा तो तमाम तरह से हम आपको अवगत करवाएंगे आधार बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ के जो ऑपरेटर है ये बताएंगे, आधार छोटे बच्चों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, किसके साथ में आना है, कितना चार्ज है, कितने दिनों में बन जाएगा, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। और साथ ही टाइमिंग, जी हाँ, टाइमिंग क्या है, और सोमवार से शनिवार तक या फिर रविवार को भी आधार के लिए खुला हुआ रहता है या नहीं, ये तमाम चीज़ों से हम आपको बताएंगे, क्योंकि आधार बनाना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसी अंदर में आए, यहाँ जब देखिएगा तो ये यहाँ पर जब देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में अभिभावकों के साथ में आए हैं आधार अप्लाई करने के लिए, ताकि जो विद्यालय में एडमिशन के समय आधार मांगा जाता है उसके लिए क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं। चलिए मेरे साथ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदर्श है। अच्छा, आदर्श जी बताइए, आधार का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आधार बने? कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। बच्चे का आधार यहाँ फिलहाल बन रहा है 5 साल से 18 साल के बीच के लिए, और उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बना हुआ होना चाहिए। बस आइएगा, इनरोलमेंट हो जाता है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, स्कैन कीजिए, स्लिप दे देंगे, ये न्यू इनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो फिर एक तो प्रोसेस है कि गार्जियन के थ्रू हेड ऑफ फैमिली पे होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल में कोर्ट के भी प्रोसेस के अनुसार मतलब कि डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है ना, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही वैलिड किया गया है, इसके कारण बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, गार्जियन के लिए भी किसी भी गार्जियन, कोई भी लीगल गार्जियन, मम्मी पापा या फिर कोई भी एक गार्जियन का होना ज़रूरी है, उनका बायोमेट्रिक लगता है। फॉर्म हम यहीं से मिलता भी है, किसी को तकलीफ है तो हम लोग खुद भर भी देते हैं, अगले को कोई दिक्कत होना नहीं, फॉर्म में कोई चार्ज नहीं, हम लोग प्रिंट निकाल देते हैं। हाँ जी, निःशुल्क। कितने दिनों बाद आधार बन जाता है? देखिए, ऐसे तो गवर्नमेंट टाइम तो लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर यही मिलेगा। नहीं नहीं, किसी भी साइबर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बाय पोस्ट आने का वेट कर सकते हैं, बाय पोस्ट आ जाएगा आपका। ये लगातार टाइमिंग क्या है? सुबह 10 से शाम 6, सोमवार से लेकर सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे। लगभग एक दिन में कितना हो जाता है? सिस्टम के कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है ना, अभी फिलहाल यहाँ पे 40 से 50 एंट्री तो हो जा रहा है लगभग। बहुत दूर से, उधर राघोपुर, गंगा पार, इधर फतुहा वगैरह सब तरफ से लोग आ रहे हैं। ये बायोमेट्रिक चार्ज 100 रुपये लिखा हुआ है? हाँ, बायोमेट्रिक मतलब कि जैसे कि किसी का फिंगर वगैरह ये हो जाता है, मतलब कि काम करना बंद कर देता है, तो फिर उस केस में जो है ना बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है, जिसमें फ़ोटो, फिंगर, आईडी सब चीज़ अपडेट होता है, उसमें आपका 100 रुपये गवर्नमेंट चार्ज है, जिसका आपको स्लिप मिलता है। हाँ, नहीं, जिस समय इनरोलमेंट किया जाता है ना उस समय होता है, और इसके साथ यहाँ पे अपडेट प्रक्रिया भी चालू है, जिसमें अगर कभी नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब कुछ गलत हो जाता है, उसके लिए आप 50 रुपये चार्ज दे करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, विथ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। आधार बनवा गया? कहाँ से आते हो? नंगोला से। आधार बन गया? बन रहा, जमा हो गया। पोतीला? हाँ, बढ़ावा उम्र, डेट अथी कम उम्र के है ना, तब ना उठा ना लगे तो उम्र बढ़ा लिए। हाँ, कल आखिर की जमा कर दे, 12 बजे बन जाए। इस वक्त मैं पटना सिटी पोस्ट ऑफिस के बगल में जो BSNL का जो कार्यालय है वहाँ पर आधार बनाने के लिए यहाँ पर होड़ मची हुई है, और इससे भी तमाम तरह से अवगत हुए हैं कि यहाँ पर जो लिमिट किया गया है भीड़ को देखते हुए, तो एक दिन में 50 लोगों का आधार कार्ड के अप्लाई किया जाता है, और यहाँ निःशुल्क बनाई जा रही है। जी हाँ, सबसे मजबूत बेहतर बात है क्या कि यहाँ पर निःशुल्क बनाई जा रही है, आप भी आ सकते हैं,
पटना सिटी के दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अप्लाई करने का एक बेहतर मौका है। ऐसा साहब आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, जय हिंद।